फुटबॉल का खुमार भारत में भी दिखाई पड़ता है। लेमन न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सलमान और आप देख रहे हैं मुद्दे की बात। मुद्दे की बात में आज हम चर्चा करेंगे महाराष्ट्र के और केंद्र में मंत्रियों की संपत्तियों के ब्यौरों की। कहने को जब भी सरकारें बनती हैं, सरकार की पारदर्शिता के नाम पर, ईमानदारी के नाम पर और एक विश्वास कायम करने के नाम पर कहा जाता है कि चलिए अब अपनी अपनी संपत्तियों का ब्यौरा दें। सारे विधायकों से भी कहा जाता है, चुनाव आयोग जब भी चुनाव की घोषणा करता है, चुनाव में उतरने वाले नेता अपने आय की घोषणा करते हैं, लेकिन एक पारदर्शिता रखने के लिए, एक विश्वास रखने के लिए कैबिनेट मंत्रियों और राज्य मंत्रियों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी संपत्तियों का ब्यौरा दें। ईमानदारी के नाम पर पृथ्वीराज चव्हाण ने, इस राज्य के मुखिया ने अपने कैबिनेट मंत्रियों को इसकी अपील की थी कि वे अपनी संपत्तियों का ब्यौरा दें। नरेंद्र मोदी ने भी अपने मंत्रियों को कही है, अभी तक खुलकर कोई सामने आया नहीं है केंद्र में, लेकिन महाराष्ट्र के कुछ मंत्रियों को बात 2011 की है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कहा जरूर, दिया कितनों ने, इस पूरे मामले की बात करेंगे हम संपत्ति के ब्यौरे पर। बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त जो अतिथि मौजूद हैं, अनिल गलगली जी हैं। अनिल गलगली जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आरटीआई एक्टिविस्ट हैं। हमारे साथ शंकर भानुशाली जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। साथ ही राजू वेर्णेकर जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अनिल गलगली जी, आपका खासकर स्वागत इसलिए है क्योंकि कार्यक्रम के मूल में, कार्यक्रम के गर्भ में आप हैं, इसलिए क्योंकि आपने आरटीआई डाली और पता ये चला कि मुख्यमंत्री के आदेश कहें या मुख्यमंत्री की अपील कहें, जो कुछ भी कहें, मुख्यमंत्री की अपील की अवहेलना हुई है। सभी मंत्रियों ने अपने संपत्तियों का ब्यौरा नहीं दिया है, तो वो क्या कारण हो सकते हैं उस पर हम जाएंगे, लेकिन ये इसके पीछे आपकी मंशा क्या थी? निश्चित तौर पर, क्योंकि जब कोई विधायक चुन के आता है, जब नई सरकार बनती है, तो उसमें से कुछ लोग तो मंत्री बनते हैं, तो ऐसे मंत्री बनने के बाद उन मंत्री का परफॉर्मेंस 5 सालों का होता है, तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार को एक आचार संहिता लागू की गई थी 2010 में, जब यूपीए की सरकार थी। यूपीए की सरकार ने सबसे पहले मंत्रियों की लिए एक आचार संहिता बनाई और उस आचार संहिता के तहत हर एक मंत्री को 31 अगस्त तक उस अपनी संपत्ति की जानकारी, अपने परिवार से जुड़े हुए व्यक्ति जो उन पर निर्भर है, उनकी संपत्ति की जानकारी देने का आदेश जारी हुआ था। उस वक्त डॉक्टर मनमोहन सिंह और उनके मंत्रियों ने ना सिर्फ संपत्ति घोषित की बल्कि उसको वेबसाइट में भी डाला, मगर दुर्भाग्य से 2010 से लेकर 2014 महाराष्ट्र में उसी कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने हमेशा इस आदेश की अवहेलना की। तो किन किन मंत्रियों ने अपनी संपत्ति की घोषणा की, उनकी संपत्ति क्या है और उसमें कितना इजाफा हुआ है, ये जानने के लिए हमने सरकार के पास पिछले 4 वर्षों में 4 RTI अलग अलग डाली थी, उससे सब ये चीज़ें सामने आई। 2010 में जब कानून लागू हुआ तब पूरे महाराष्ट्र में किसी ने भी अपनी संपत्ति की घोषणा नहीं की थी। जब हमने अल्टे डालने के बाद इसके पीछे के कारण हम आते हैं कि संपत्तियों की घोषणा की क्यों नहीं गई। शंकर भानुशाली साहब, आखिर संपत्ति एक, आप अपने आप को लोकसेवक, समाज सेवक और राजनेता मानते हैं और जब आप विधानसभा में, विधान लोकसभा में चुनकर जाते हैं, आपकी काबिलियत पर, आपकी सेटिंग पर, आपकी पहुंच पर जब आपको मंत्री बना दिया जाता है, तो इतनी अपेक्षा की जाती है कि आप जनता के भावनाओं को समझेंगे, जनता के प्रति अपनी जवाबदारियों को समझेंगे और अपने मुखिया की बातों को मानते हुए जो कुछ भी, एक पाई से लेकर अरबों खरबों तक की अगर आपकी संपत्ति है तो आप उसे जाहिर करेंगे। तो ये जाहिर न करने के पीछे के कारण क्या हो सकते हैं? सलमान भाई, ऐसा है कि ये एक और एक दो जैसी बात है।
कि वो उनको जो करना चाहिए लेकिन वो नहीं कर रहे हैं, उनके पीछे क्या है जो कारण, वो तो अनिल गडकरी जी अपने जो उनका जो मतलब है उसमें बता ही रहे हैं। और पूरी पूरी बात स्पष्ट बात है कि उनको इसीलिए नहीं दिखाना चाहते कि वो दिखाने से उनको प्रॉब्लम आएगा, जो जो उनको करना चाहिए वो नहीं कर पाएंगे। वास्तविकता ऐसी है कि जैसे आपने कहा कि भाई एक बनने के बाद एक विधायक बना, एक एमपी बने, एमपी में से चाहे केंद्रीय मंत्री बने या ये अपने राज्य मंत्री के बने, तो बनने के बाद अगर वो अपनी जो अपने अपने पास अगर उनके नियत में कोई खोट नहीं है, किसी तरह का कोई भी समझो उनके ये कोई कमी नहीं है, तो उनको नहीं दिखाने का कोई कारण ही नहीं रहता है। उनको तो बिल्कुल दिखाना चाहिए, बता देना चाहिए, एक इतनी जो पारदर्शिता रखनी चाहिए। आप जिम्मेदार हैं, आप सरकार चला रहे हैं, आप सरकार में शामिल हैं, इतनी पारदर्शिता होनी चाहिए। राजू जी, लेकिन इससे पहले जब आप कैबिनेट में जाते हैं, आपको मंत्री पद का दर्जा दिया जाता है या आप मंत्री बनते हैं, सब कुछ होने के पहले जब चुनाव लड़ते हैं आप, तब भी आपको अपनी संपत्ति की घोषणा करनी होती है। कई बार कई मामलों में नगर सेवक से लेकर सांसद तक के मामलों में देखा गया है कि होता कुछ है, दिखाया कुछ जाता है, पेपर पर कुछ होता है, अक्सर सीए पर डाल दिया जाता है, अक्सर अपने कार्यकर्ताओं पर डाल दिया जाता है, हेर फेर के मामले भी बनते हैं, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई किसी भी मुखिया ने किसी भी अपने मातहत मंत्री पर की नहीं है। तो इसकी क्या जरूरत आन पड़ती है कि दोबारा घोषणा करनी पड़े मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री के? शपथ लेते हैं, जब उन्हें शपथ दी जाती है तभी उसी में सब कुछ आता है कि उनका कारोबार पूरा तरफ से ट्रांसपेरेंट रहेगा, मगर वो होता नहीं। अच्छा, इसके ऊपर अमल कौन करे? कानून तो होता है, अपने पास कई कानून है, फिर ब्यूरोक्रेसी है, फिर एक मंत्री और ब्यूरोक्रेसी, इनमें एक नाता या उन्हें डर का रिलेशन, इसकी वजह से कोई कार्रवाई होती नहीं और ये कारोबार चालू रहता है। सलमान जी, मतलब डर नहीं है, डर निकल गया? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये डर, अनिल गलगली जी, आरटीआई के माध्यम से जब भी आप लोग इस तरह की जानकारियां निकालते हैं, पहले तो अधिकारियों का रवैया क्या होता है, क्योंकि ये अधिकारी कहीं ना कहीं इसी तरह के किसी, जब हमने मंत्रियों की जानकारी मांगी तो निश्चित तौर पर अधिकारियों का रवैया सकारात्मक था, क्योंकि अधिकारी अच्छा वो भी चाहते हैं कि ये सब पता चले, जनता में जाए। कहना था कि जब हमारे जैसे अधिकारियों की संपत्ति की जानकारी हमें देने के लिए मंत्री विवश करते हैं, जिस तरह से अभी गृह मंत्री आर आर पाटिल इन्होंने सभी पुलिस अधिकारियों के जो पीएसआई से लेकर डीजी तक सभी को संपत्ति घोषित करने का एक बीच में परिपत्रक जारी किया, मगर भैया आप तो पहले अपने संपत्ति घोषित कीजिए, आप लोगों को उपदेश देते हो, प्रवचन देते हो, मगर आपका क्या? पर उपदेश कुशल बहुते रहे। तो अधिकारियों का भी मानना है कि जब हमारी संपत्ति हम घोषित करते हैं, हमारी संपत्ति घोषित करने के लिए हमारे पास दबाव बनाया जाता है, परिपत्रक निकाला जाता है, और जब हम ऐसा नहीं करते तो हमारे में कार्रवाई होती है। तो निश्चित तौर पर इन मंत्रियों की भी संपत्ति की जानकारी सामने आनी चाहिए। तो जब हमने इस आरटीआई से जानकारी मांगी तो हमें सबसे अच्छा रिस्पॉन्स डिपार्टमेंट का उस वक्त मिलता है जब हम मंत्रियों की खाल निकालते हैं, जब हम मंत्रियों की पोल खोलते हैं, जब हम मंत्रियों का भ्रष्टाचार सामने लाते हैं, क्योंकि अधिकारी भी उन मंत्रियों से परेशान हैं। कई बार कुछ भ्रष्ट अधिकारी भी होते हैं, मगर आज सरकार में अच्छे अधिकारियों की वजह से मुंबई और महाराष्ट्र चल रही है। ये तो ये जो मंत्री महोदय हैं ये तो पूरे देश को बेच डालेंगे। तो कहीं ना कहीं तो जो अच्छाई है, अच्छाई हम जैसे कार्यकर्ताओं को मदद करती है, वो अच्छाई से हमें जानकारी मिलती है कि कौन कौन मंत्रियों ने अपनी संपत्ति को छुपाने का काम किया है और किन किन मंत्रियों ने अपनी संपत्ति को सामने रखा है। जी, आपने जितनी मांगी थी कुल मंत्रियों में से कितने लोगों ने बताई और कितने ने छुपाई? जब हमने जानकारी मांगी 2014 में, तब आज महाराष्ट्र और ये मुख्यमंत्री ने कहा था 2010 में। हाँ, 2010 में कहा, 2011 में कहा, 2012 में कहा जी। आज 31 जो कैबिनेट मिनिस्टर है, 11 और 12 में, सन 2011 और 2012 में, अपने दर्शकों को बता दे कि सन 2011 और 2012 में मुख्यमंत्री कार्यालय से रिमाइंडर भी गया, उसके बावजूद कुछ लोगों ने दिया, कुछ लोगों ने नहीं दिया, उसी पर आते हैं अनिल जी। हाँ, निश्चित तौर पर, क्योंकि 2012, 2013, 2014 जी, आज 4 वर्ष गुजर गए और अभी सरकार अभी पुनः चुनाव होने वाले हैं, तो 22 और 24 ऐसे 24 मंत्रियों ने अपनी संपत्ति की जानकारी दी है। उसमें मुख्यमंत्री ने अपनी संपत्ति की जानकारी राज्यपाल महोदय के पास दी है, और जो 23 मंत्री है उसमें अजीत पवार, छगन भुजबल, कुछ मंत्रियों ने ईमानदारी से अपनी संपत्ति की जानकारी मुख्यमंत्री के पास पेश की है। मगर ऐसे कई मंत्री हैं जो राज्य के मुख्यमंत्री बनने का सपना देखते हैं,
जिस तरह से नारायण राणे, पतंगरा कदम, इन्होंने अपनी संपत्ति को छुपाने का काम किया है, जैसे मुंबई में जो उपनगर के जो पालक मंत्री नसीम खान, ऐसे कई लोग हैं जिनके चेहरे और जिनका चरित्र विवादित है, वही लोग अपनी संपत्ति को छुपाने का काम कर रहे हैं। लेकिन छगन भुजबल हो, अजीत पवार हो, ऐसे कई मंत्रियों ने ईमानदारी से हर साल जो 31 अगस्त की जो मियाद होती है, वो मियाद के पहले उन्होंने मुख्यमंत्री के पास अपनी संपत्ति की जानकारी को देने का काम किया है। जी, तो जिन लोगों ने मंत्री क्यों नहीं कर रहे हैं, बहुत बड़ा सवाल है। जी, जिन मंत्रियों ने अपनी संपत्तियों की घोषणा की है, दो बातों, उनकी तारीफ इसलिए की जानी चाहिए कि उन्होंने एक पारदर्शिता लाने की कोशिश की, कितना था, क्या हुआ और कैसे बढ़ी संपत्ति, कितनी किसकी कम हुई, ज़रूरी नहीं कि बढ़ी ही हो, कम हुई हो, उसका अनुपात क्या है, ये एक दूसरा प्रश्न है। लेकिन जनता के सामने अपनी संपत्ति की घोषणा करने का साहस जिन लोगों ने दिखाया, उनके प्रति हम आदर व्यक्त करते हैं, और जिन्होंने नहीं दिखाया, कारण क्या थे, ये उनसे ही बेहतर पता चल सकता है। हम उन मंत्रियों से ज़रूर कोशिश करेंगे कि उनसे कारण पता करें। हो सकता है अनिल जी शायद उन्हें रिमाइंडर न मिला हो, हो सकता है उन्होंने दी हो और घोषणा नहीं की गई हो सकता है, यानी बहुत कुछ हो सकता है, इस हो सकता में है काफ़ी कुछ छुपा हुआ है। शंकर जी, ये हो सकता है, क्या इनमें से मंत्रियों को बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जा सकता है? एकदम नहीं देना के बहुत बिजी रहे हो, नहीं, अपने विधानसभा क्षेत्र में, महाराष्ट्र भर के दौरों में, महाराष्ट्र भर के लोक निर्माण के कार्यों में, लोक हित के कार्यों में, ये लोग इतने बिजी रहे कि अपनी संपत्तियों की घोषणा करने से परहेज करते रहे, तो बहुत बिजी भी तो रह सकते हैं। नहीं, जिन जिन मंत्रियों ने घोषणा नहीं की, तो उन मंत्रियों का आप थोड़ा, आप तो मतलब खुद ही मीडिया वाले हैं और आप जानते हैं कि वो कितने बिजी हैं और कितने मतलब व्यस्त हैं, मतलब आम जनता का जो आवश्यक जो जनता है उनका कितना काम करते हैं, कोई बिजी नहीं है। अगर समझो वो चाहें तो उनको देना चाहिए। और सबसे पहली बात ये है कि मैं वो अनिल जी की बात से एकदम मैं सहमत हूँ कि जैसे जिन्होंने नहीं दिया, एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं, एक मुख्यमंत्री के आदेश के बाद, मुख्यमंत्री के फिर दूसरी बार रिमाइंड देने के बाद, तीसरी बार भी आपके कहने के हिसाब से दो तीन बार रिमाइंडर दिया गया, उसके बाद भी यदि वो नहीं सुनते हैं, तो या तो उनमें कहीं समझो कमजोर हैं, या तो मुख्यमंत्री कमजोर हैं, या तो ये समझो तानाशाही हैं। तो ये दोनों बातों का आखिर जो भी नुकसान है, वो तो जो भी सरकार का नुकसान कर दिया। अभी तो महाराष्ट्र की जनता का तो क्या क्या हाल हुए हैं, क्या क्या परेशान हैं, वो तो सभी जानते हैं। कहने का मतलब ये कि वो इतने बिजी नहीं है जितने दिखाए जाते हैं। अगर चाहते तो अपनी संपत्तियों की घोषणा कर सकते थे, पारदर्शिता लाने का। इस कार्यक्रम के पीछे, मुद्दे की बात में, इस विषय को उठाने के पीछे किसी भी मंत्री के खिलाफ जाने का ना हमारा मकसद है, न ही हमारे पैनलिस्टों का। हमारा मानना सिर्फ इतना है, अगर आपको सत्ता की भागीदारी मिली है, आप सत्ता के हिस्सेदार बने हैं, आप महाराष्ट्र को चला रहे हैं, आप कैबिनेट मिनिस्टर हैं, आप मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, आपको पारदर्शिता लानी होगी। क्योंकि उम्मीद अगर आप जनता से करते हैं, एक पाई के, उनके टैक्स का, उनके पैसों का और उनकी पूरी जीवनी का हिसाब अगर आप रखना चाहते हैं, तो पहले पहल आपको करनी होगी। राजू जी, ऐसी परिस्थितियां अगर बनती हैं विधानसभा में, जब चुनाव लड़ना होता है, लोकसभा का जब चुनाव लड़ना होता है, तब भी घोषणा करने की बात आती है और उन्हें संपत्ति अपनी घोषित करनी होती है, तो इसके बाद अगर प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री अपने मातहत मंत्रियों से संपत्ति का ब्यौरा मांगते हैं, तो चुनाव आयोग को दी गई, चुनाव आयोग को दिए गए ब्यौरों का क्या महत्व रह जाता है? तब उससे ही क्यों नहीं मान लिया जाता? राजू जी, सलमान जी, अभी हमारे सहयोगी ने काफ़ी अच्छी अनिल भाई ने जानकारी दी। एक ज़माने में आरटीआई नहीं था, तब कोई जानकारी नहीं मिलती, और मैं कहता हूँ आज भी आरटीआई के तहत जानकारी मिलती है, पर कई बार जानकारी छुपाई जाती है। उसी के मुताबिक जैसे वो लोग इलेक्शन कमीशन को चुनाव के समय कोई डिक्लेरेशन भरते हैं, तो एक समय ऐसा आना चाहिए कि भाई आपने डिक्लेरेशन में ये कहा था, इलेक्शन कमीशन को ही एम्पावर किया जाना चाहिए या और कोई अथॉरिटी। अभी जैसे कि महाराष्ट्र में
42 में से 24 मंत्रियों ने जानकारी दी, बचे हुए ने नहीं दी, तो उनका मंत्री पद जाएगा ऐसा जब तक डर नहीं पैदा हो। अब और अभी अभी कुछ समय पहले कि क्या वो बिजी थे, बिजी का कोई मतलब नहीं होता, ये केयरलेसनेस है। और अगर आप मंत्री पद होते, इतना सत्ता आपके पास रहते हुए भी अगर आप केयरलेस है तो फिर कॉमन मैन का क्या होगा? जो नौकरी करने वाला आदमी है उसको मालूम है उसके पगार में से उसकी इनकम टैक्स कटनी है, वो अपने आप भरनी है, उसको पैन कार्ड रिन्यू करना है, उसके दिल में डर है। ये जब तक ऑल दोज आर इन हाई ऑफिस, ये ऊपर उच्च पदस्थ है, उनके दिल में जब तक कोई डर पैदा ना हो कि भाई मेरा मंत्री पद जाएगा। अभी जैसे जैसे कुछ महीने पहले महाराष्ट्र में भी मान लो गुलाबराव देवकर है, सुरेश जैन है, या अभी ये विजय कुमार गावित है, यानी इनकी प्रॉपर्टी की इंक्वायरी हुई थी, तो यहाँ तक क्यों रुके? इलेक्शन कमीशन को ऐसा एम्पावर किया जाए कि अपने आप वो एक्शन ले सके। सलमान जी, इलेक्शन कमीशन को ही इतना पावर पहले ही दे दिया जाए। अनिल जी, जिस जो सवाल राजू जी से था उसी को आप बताएं कि जब चुनाव लड़ते वक्त आप तो अपनी संपत्ति की घोषणा करते ही हैं, तो क्या ऐसा लगता है कि चुनाव आयोग को दी गई जानकारी कुछ अधूरी होगी, कि मुख्यमंत्री जब दोबारा मांगेंगे तो उसमें और बेहतरी से दिया जाएगा? आखिर संपत्ति का ब्यौरा जब दिया जाता है वो पूरा सेट होता है, उस पर सीए की सील होती है, आप सब कुछ उस पर जितने टैक्सेशन है सब कुछ उस पर लगा होता है, उसी को फॉरवर्ड करना है, तो क्या ये डर रहता है कि चुनाव आयोग का काम एक रूटीन काम है, उन्हें दे देना और फिर मुख्यमंत्री को अगर दिया तो अपनी कमजोरी किसी के हाथ में थमाना है, ऐसा तो कुछ नहीं है? निश्चित तौर पर, क्योंकि जब बंदा लड़ता है तो चुनाव आयोग के पास अधिकार इतने नहीं है कि वो किसी उम्मीदवार पर बाद में कार्रवाई कर सकता है। जैसे अभी अशोक चौहान का पेड न्यूज़ का मामला चल रहा है, कई उम्मीदवारों के जो चुनाव आयोग में जो हलफनामे पेश हुए थे, चाहे राज्य हो चाहे केंद्र हो, जैसे स्मृति ईरानी का मामला ताजा ही है कि उन्होंने भी जो गलत जानकारी दी थी, लेकिन चुनाव आयोग के पास अधिकार कार्रवाई करने कोई अधिकार न होने से उम्मीदवारों को पता होता है कि चुनाव आयोग में हम जो भी जानकारी देंगे उसे वो चुनाव आयोग वैध मानेगा। और जब आप मंत्री के तौर पर जब आपको अपने मुख्यमंत्री महोदय के पास जानकारी देना होता है, वो एक ऑथोराइज जानकारी होती है। और इस राज्य का दुर्भाग्य है कि हम जिसे मिस्टर क्लीन मुख्यमंत्री कहते हैं, जिसे अच्छा कामकाज का मतलब दावा किया जाता है, वो मिस्टर क्लीन मुख्यमंत्री ने जो 24 मंत्री है उनकी भी संपत्ति की जानकारी उन्होंने ऑनलाइन करने से इनकार कर दिया है। क्योंकि कहीं ना कहीं तो मंत्रियों को डर है कि कोई हमारा जो विपक्ष का व्यक्ति हो, चाहे मेरा कोई ऑपोजिट और हमारे पार्टी के लोग भी हो, जिस तरह से कृपा संगर सिंह का मामला ताजा ही है, सुप्रीम कोर्ट में आदेश भी दिया था, तो कहीं ना कहीं तो डर लगता है कि कहीं हमने जो जानकारी दी है जो एफिडेविट पर, वो जानकारी का आधार बनाकर कल कोई कोर्ट में चला जाएगा और हमारी संपत्ति ज़्यादा पाई जाएगी जो हमने चुनाव लड़ते वक्त दी थी, तो उन्हें मुश्किल हो सकती है, उनका जो विधायक और जो उनका मंत्री पद जा सकता है। ये डर कहीं ना कहीं तो इन मंत्रियों के मन में होगा, इसीलिए शायद वो जो चुनाव आयोग को जो उन्होंने जो हलफनामा दिया है उसी को ही वो आगे प्रोसीड नहीं कर रहे हैं, या उसमें कोई और बढ़ोतरी करके देने में हिम्मत नहीं जुटा रहे हैं जी। ये जो डर है, ये डर की वजह से आज 18 मंत्रियों ने अपनी जानकारी मुख्यमंत्री महोदय के पास नहीं दी। एक तो शंकर जी, एक तो जानकारी दी नहीं, और जिन लोगों ने दी उसे सार्वजनिक नहीं किया गया, क्या जिम्मेदारी नहीं बनती? क्या जनता को ये जानने का हक नहीं है कि हम पर शासन कर रहे मंत्री और मंत्रियों का समूह कितनी संपत्ति रखता है, उस क्या वो जवाबदेह नहीं है अपनी संपत्ति की घोषणा करने के लिए? उसके कई साधन हो सकते हैं, उनका अपना बिजनेस हो सकता है, उनके अपने जो भी उनकी आय है वो उनके तरीके से कमाई जा रही हो, उससे शायद किसी को आपत्ति ना हो, लेकिन अकूत धन संपत्ति जब पिछले दिनों के आपके कार्यकाल को देखा जाए, पिछले वर्षों के आपके जो भी आपकी संपत्ति रही उसे देखा जाए, बढ़ी हुई नज़र आती है, तो शक के दायरे में ऐसे लोग आते हैं। और जब शक के दायरे में आते हैं और फिर पारदर्शिता नहीं दिखाई देती सरकार में, तब उंगलियाँ उठना स्वाभाविक है। क्या लगता है आपको कि ऐसे में क्या किया जाना चाहिए, ऐसे लोगों पर किस तरह से अंकुश लगे? क्या सचमुच में वो जिम्मेदार नहीं है जनता के प्रति? बिल्कुल जिम्मेदार हैं। सबसे पहले सलमान भाई, आपने बहुत अच्छी बात की कि जो मतदार हैं, जो ये जनता है, जो मतदार हैं, जब मांगने के लिए जब जाते हैं नेता, तो मतदार राजा,
मतदार ये उसने जो जो चाहिए बड़ी बड़ी सभी उपमाएँ दे देते हैं। और वास्तविकता ये है कि सबसे बड़ा अधिक से अधिक अधिकार वो जनता का ही है। वो जनता को ही उनको पहले ये बताना चाहिए कि भाई हमने कल क्या थे, आज हम क्या हैं और आने वाली कल हमारी क्या होगी। उसके बाद दूसरी बात ये है कि जैसे अनिल जी ने कहा कि भाई तो मेरा ऐसा मतलब है कि एक जनरली अपने जो कायदे में ऐसा है कि चोरी करने वाले से चोरी का माल लेने वाला वो समझो बड़ा गुनहगार है, ऐसे अपने इसमें है। ये तो मिस्टर क्लीन वाला एक मिस्टर क्लीन वाले के मैं बात कर सलमान भाई उनकी मैं बोलने जा रहा हूँ कि वो मिस्टर क्लीन है, ईमानदार हैं, लेकिन जो भ्रष्टाचारियों को ऐसे गलत लोगों को जानकारी नहीं देने वालों को, जनता के साथ झूठ बोलने वाले को और मुख्यमंत्री के साथ भी झूठ बोलने वाले ऐसों को अगर ये माफ भी करते हैं तो वो भी इतने ही गुनहगार हैं, उससे अधिक तो नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन उतने ही गुनहगार हैं कि जितने हुए हैं। जी राजू जी, मुख्यमंत्री के पास अगर जनता से संबंधित कोई प्रॉब्लम आए, जनता अगर पाई जाती है कि किसी उसने अपने मामले को जो सरकार को चाहिए हो जानकारी और सरकार को प्रॉपर नहीं दी है, सेल टैक्स हो, सर्विस टैक्स हो, इनकम टैक्स हो, ऐसे बहुत सारे टैक्सेस जो लगाए जाते हैं, कहीं उसमें जानकारी छुपाने का मामला अगर आता है तो फौरन कार्रवाई हो जाती है। जनता और आम जनता के बीच और ये आम जनता के प्रतिनिधियों के बीच ये दो मामले अलग अलग क्यों रहते हैं? ऐसा क्यों है कि ये कानून आम लोगों के लिए अलग और ख़ास लोगों के लिए अलग? देखिए ऐसे लगता है कि जैसे कि लोक प्रतिनिधि चुनकर आते हैं, मंत्री बनते हैं और फिर कानून का अमल कौन करेगा? सिविल सर्वेंट करेंगे। फिर आगे ऐसे अगर मैं कहूँ तो ओवर स्टेटमेंट नहीं होगा, आगे आगे सिविल सर्वेंट और मंत्री इनकी भी मिलीभगत होती है। अपने पास कम से कम तीन कानून है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, ये दो तो कानून हो गए, और इनकम टैक्स है सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है कि किसी का भी इनकम हो डिसप्रोपोर्शनेट, उनके एसेट्स अगर डिसप्रोपोर्शनेट हो तो तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और ये इन सब के ऊपर अपने पास सीबीआई भी है, मगर जैसे इसे चलाएगा कौन? चलाएगा सिविल सर्वेंट को की नियुक्ति करेगा कौन? मंत्री। तो ये जो पूरा सर्कल है, इस सर्कल की वजह से जितना बड़ा आदमी उसके पास ज़्यादा संपत्ति रहेगी, फिर उसके ऊपर कोई हाथ नहीं डालेगा। जैसे मैंने शुरू में कहा, नौकरी करने वाला आदमी है उसका इनकम टैक्स कटेगा, प्रोफेशनल टैक्स कटेगा, ये कटेगा, वो कटेगा, उसके हाथ में कुछ नहीं, वो हतबल है क्योंकि उसको वो कानून मानना ही है। और जैसे ये लोग ऊपर जाते हैं और जिसको कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, जैसे प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छा कहा है, चलो हमें उन्हें शुभकामनाएं देते मगर वो ज़रा सावधानी से आगे बढ़ते, कि कोई पॉलिटिशियन होता है उसका रिश्तेदार को कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, ये तो स्पोर्ट्स तक पहुंच गया है कि बहुत बड़ा, अभी पिछले कुछ महीने पिछले साल हमने देखा था आईपीएल में बहुत बड़े स्पोर्ट्स के नामचीन खिलाड़ी है, उनका भी कहीं ना कहीं इंटरेस्ट अटका हुआ है। तो ये सब एक पूरा एक विशेष सर्कल है और ये तोड़ने के लिए जैसे ये एक एक पहल है, जैसे आरटीआई बना, अभी प्रधानमंत्री ने ये सब कुछ किया, चलो उन्होंने वैसे कोई नई बात तो कही नहीं, ये तो होम मिनिस्टर ने यूपीए सरकार के समय ये जो ये किया था, तो ये अच्छी बात है। कहीं ना कहीं डर पैदा हो कि भाई मैं इस हिंदुस्तान का आदमी हूँ, मुझे इतना मिलता है तो मुझे भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति ईमानदार रहना चाहिए। ये बताइए कि न मुख्यमंत्री ने मांगी और मंत्रियों ने नहीं दी, क्या अपने आप में ये किसी तरह के कानून का उल्लंघन हुआ? हाँ बिल्कुल, ये कानून का उल्लंघन, एक मॉरेलिटी बात ऐसी है। अगर मॉरेलिटी की बात राजू जी, एक हास्यास्पद बात हो जाएगी, मॉरेलिटी की बात नेताओं से करना कुछ ज्यादा ही अतिशयोक्ति नहीं है? हाँ अतिशयोक्ति है, नहीं तो बात ऐसी है, मुख्यमंत्री ने कहा ही इज द बॉस, ही इज द फाइनल अथॉरिटी, वो अगर उनके सबॉर्डिनेट को कहता है कि नहीं, तो जैसे मैंने शुरू में कहा कि एक इलेक्शन कमीशन या ऐसी कोई अथॉरिटी। एक अच्छा सवाल उठाया आपने नैतिकता का, नैतिकता की बात करना आप किस नज़रिए से देखते हैं? बहुत सालों से आप देख रहे हैं, ज़माने को देखा है आपने, भानुशाली साहब, नैतिकता किस परिंदे का नाम है नेताओं के लिए? नहीं, सभी में नहीं है और सभी में है ऐसा नहीं है सलमान भाई। आज अगर अच्छे और नैतिकता को में विश्वास करने वाले जो ये नहीं होते तो देश नहीं चलता।
ऐसा भी नहीं है, लेकिन ऐसा है कि अधिकतर जो आपके जो शक है और अधिकतर इन इन जो जो सभी लोगों को यही शक है कि भाई नहीं है करके। मेन बात यह है कि अगर जैसे राजू भाई ने कहा कि अगर आपको मुख्यमंत्री का यदि आदेश आप नहीं मानते हो तो उनके आदेश की अवगणना नहीं हुई, उनका एक इंसल्ट भी है ना। चलिए, कैसे कैसे होगा जी जी, मतलब आपको लगता है कि कुछ लोग नैतिक होते हैं, कुछ लोगों में नैतिकता होती है। देखिए, नैतिकता ये एक ऐसा गुण है, ये हर व्यक्ति में पाया जाना चाहिए, नेताओं में खासकर होना चाहिए, क्योंकि ये शासक वर्ग है। बिल्कुल, ये शासन करता है उन लोगों पर जो आम लोग हैं, जो नौकरी पेशा लोग हैं, जो छोटे छोटे कारोबार करते हैं, जो दिहाड़ी मजदूर हैं, ये इनके शासक हैं। भले ही अपने आप को समाज सेवक और जो कुछ भी बताते हों, लेकिन नैतिकता उनसे भी उम्मीद की जानी चाहिए जिन्होंने इस देश को चलाने का कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है। ये हमेशा अपने आप को उनका सेवक तब तक बताते हैं जब तक इन्हें वोट चाहिए होते हैं। वोट लेने के बाद उनकी भाषा, उनकी शैली, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके रहन सहन, उनका नज़रिया और उनके इर्द गिर्द लोगों की फौज देख कर लगता है, पता चल जाता है कि पिछले दिनों ये क्या थे और अब क्या है। ऐसे लोगों के बहुत करीब से अनिल जी आप देखते रहे हैं, जितने मैंने उदाहरण देने की कोशिश की कि वो क्या थे, कैसे होते हैं, वोट मांगने से लेकर लाल बत्ती की गाड़ी में बैठने के बीच का लंबा सफ़र जब तय करते हैं, तो क्या क्या पाते हैं आप इनके बीच? निश्चित तौर पर, क्योंकि जब क्योंकि आज जो जो मंत्री है उसमें 20 से 30 मंत्री ऐसे हैं जिनकी 15 से 20 साल पहले जो स्थिति काफ़ी ख़राब थी, तो ऐसे लोग तो काफ़ी डरते हैं कि मैंने जो 15 से 20 सालों में जो अतुट धन कमाया है, कल अगर मैं एफिडेविट करके उसको डिक्लेयर करूं, क्योंकि जो आपने पहला जो मुद्दा उठाया कि जब ये चुनाव लड़ते हैं तो अपना हलफनामा देते हैं, लेकिन चुनाव लड़ने की जो प्रक्रिया है वो राजनीतिक लोगों के इर्द गिर्द ही सीमित होती है, उससे आम आदमी इतना जुड़ा हुआ नहीं होता है, आम आदमी को इतना नॉलेज नहीं होता है। मगर एक मंत्री क्या करता है, एक मंत्री की कितनी संपत्ति है, इस मंत्री ने कितने अपनी संपत्ति हलफनामे में बताई है, इनके परिवार में कितने लोगों के पास कितनी गाड़ियां हैं, कितने जेवरात हैं, कितनी उनके पास कैश बैलेंस है, ये जानने के लिए हर एक आदमी काफ़ी उत्सुक रहता है। तो ये जो उत्सुकता कई बार मंत्रियों के लिए घातक होती है, तो इसीलिए मंत्री महोदय अपनी संपत्ति बताने के लिए थोड़ा डेरी कम करते हैं। जैसा आपने बताया, क्योंकि हमारे जो मित्र है और जो पूर्व केंद्रीय सूचना आयुक्त थे शैलेश गांधी जी, उन्होंने जो अपने राज्य के जो उप मुख्यमंत्री अजीत पवार काफ़ी बड़ा नाम है, उन्होंने जब अपना जो संपत्ति क्या जमा की है, उन्होंने तो मुख्यमंत्री महोदय को अपनी संपत्ति की जानकारी दी, उन्होंने चुनाव लड़ते वक्त भी हलफनामा पेश किया, मगर जब शैलेश गांधी जी ने इनकम टैक्स के पास अजीत पवार की संपत्ति की जानकारी मांगी, उन्होंने कितना रिटर्न फाइल किया वो जानकारी मांगी, तब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने शैलेश गांधी जी की जो एप्लीकेशन है ये थर्ड पार्टी बताते हुए अजीत पवार जी को पत्र लिखा, तो अजीत पवार जी ने उनकी संपत्ति की जानकारी देने से इनकार किया। यानी अगर आप साफ सुथरे हो, आपने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया हो और आपने जो हलफनामे में जो दिया है, जो आपने मंत्री के तौर पर दिया है और आपने इनकम टैक्स रिटर्न में वही दिखाया है, तो आपको डरने की क्या बात है? मगर अजीत पवार जैसे पावरफुल चुनाव आयोग को दे सकते हैं। हाँ, उन्होंने वो जानकारी न देने के लिए एप्लीकेशन लिख दिया आईटी डिपार्टमेंट को, तो शैलेश गांधी जी इस बारे में मुंबई हाईकोर्ट में गए हैं। यानी मैं आपको एक उदाहरण बता रहा हूँ, वही कहना चाह रहे हैं कि चुनाव आयोग को आप दे सकते हैं, आप अपने मुख्यमंत्री को बताकर, जिसे मुख्यमंत्री छुपा ले जा रहे हैं, मिस्टर क्लीन मुख्यमंत्री उसको दे सकते हैं, उसे छुपा सकते हैं, क्योंकि फिर ये तेरी भी चुप मेरी भी चुप वाला मामला होगा। आप मुख्यमंत्री हैं, मैं उप मुख्यमंत्री हूँ, मेरी जानकारी आप तक है, आपकी जानकारी मेरे पास रहेगी, हम दोनों चुप रहते हैं, लेकिन किसी तीसरे व्यक्ति को जो आम नागरिक है, आम मतदाता है, उसे जानकारी देने से परहेज है। आपकी संपत्ति से किसी का कोई सरोकार नहीं है, लेकिन एक पारदर्शिता की अगर आपसे उम्मीद रखी जाती है तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आप सचमुच में ईमानदार हैं, आप शासन करना चाहते हैं, तो जनता के प्रति थोड़ा तो जवाबदार होना ही होगा। ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है राजतंत्र। राजू जी, ये एक मामला हुआ, तीसरा व्यक्ति जानकारी मांगे ही क्यों, उसे क्या पड़ी है, क्यों मांगता है? अगर राजनेता की तरफ से ये जवाब आता है तो क्या
नहीं, बात ऐसी है कि हमारी लोकशाही है और ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता तो चाहिए। तो मंत्री अगर किसी के पास कुछ छिपाने का होगा तभी वो छिपाएगा। मान लो मेरे पास या आपके पास छिपाने का कुछ नहीं, तो हम फॉर्म भर देंगे, भाई मेरे पास ये प्रॉपर्टी है, तो ये छिपाने की कोशिश की जाती है। तो कोई ना कोई जाने कि ये लोकशाही है, लोकशाही हर एक को जानना चाहिए कि भाई ये मंत्री बना, उसके पास क्या प्रॉपर्टी थी, कल क्या थी, दो साल के बाद क्या बनी, इसलिए जानकारी पूछी जाती है। यानी शक के दायरे में ये इसीलिए आते हैं कि अगर आप मंत्री बनने के पहले क्या थे और मंत्री बनने के बाद आप क्या हो गए हैं, आपके पास इतनी अकूत धन संपत्ति आई कहाँ से। शायद लोगों के मन में पहला सवाल यही आता है, अगर आपके ठाट देखकर उसे शंका होती है तो कोई गलत बात भी नहीं है, लेकिन आप जानकारी चाहते क्यों हैं, इसका क्या जवाब दें, नेतागण के पास में क्या जवाब हो? नहीं, बात ऐसी, चाहते क्यों है ना, क्योंकि आप पब्लिक सर्वेंट है, चाहे वो ब्यूरोक्रेट हो, मंत्री हो, और उसको जो सत्ता दी गई है, जो पावर दी गई, उसका उन्होंने मिसयूज किया है या नहीं, आपकी संपत्ति बड़ी है क्या, वो ईमानदारी से आपके सैलरी से बड़ी है, या आपने किसी को फेवर किया इसलिए बड़ी है, ये जानना जनता का हक है, इसलिए पूछा जाता है। और ये आरटीआई कानून आया, ये बहुत अच्छी एक बात है, कई सालों के बाद। चलो, उसके लिए अन्ना हजारे ने और वैसे कई सामाजिक नेता ने उसके लिए आंदोलन किया, कम से कम जानकारी मिलती है। तो हर एक जानकारी मिलती है, जानकारी लेना, जानकारी लेकर जनता के बीच जाना, जनता के लिए जानकारी मांगना पड़ता है। अगर मुख्यमंत्री के आदेशों की अवहेलना होती है, क्या उस पर कोई कानून कार्रवाई हो सकती है? अनिल जी, ये तो मुख्यमंत्री पर निर्भर है, क्योंकि मुख्यमंत्री जो इस दूसरे एक मुख्यमंत्री पर अभी आते हैं, मुख्यमंत्री मिस्टर क्लीन है, उनके प्रति भी आपने कई आरटीआई मांगी, तो क्या आपको लगता है ये जो मिस्टर सो कॉल्ड मिस्टर क्लीन है, क्या ये सचमुच मिस्टर क्लीन है? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री ये कांग्रेस के राजनीति से जुड़े हुए व्यक्ति है, कांग्रेस पार्टी के नेता है। जब उनकी सरकार ने, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मनमोहन सिंह ने 2010 में जब ऑनलाइन करने की बात कही, और स्वयं मनमोहन सिंह और उनके मंत्रियों ने अपनी संपत्ति की जानकारी ऑनलाइन की, उस वक्त पृथ्वीराज चव्हाण भी उसी मंत्रिमंडल में थे जो उसके पहले उनके सहयोगी थे। मगर जब ये महाराष्ट्र में आए, इन्हें मिस्टर क्लीन बना के भेजा गया। मगर जब 2011 में 16 मंत्रियों ने भी संपत्ति की जानकारी दी, तब हमने कंटिन्यू फॉलोअप किया कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट ऑनलाइन कर सकता है, बिहार जैसा राज्य ऑनलाइन कर सकता है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश सिंह यादव अपनी संपत्ति ऑनलाइन कर सकते हैं, तो महाराष्ट्र के मंत्रियों की जानकारी ऑनलाइन क्यों नहीं कर सकते आप? मगर मिस्टर क्लीन मुख्यमंत्री ने हमारी फाइल को 6 से 8 महीने दबा के रखा। अब इसमें किसका क्या इंटरेस्ट है, किसकी किस बिल्डर को फायदा होगा, ये तो मुख्यमंत्री बता सकते हैं। मगर मुख्यमंत्री ना अपने मंत्रियों की संपत्ति को जानकारी को ऑनलाइन कर रहे हैं, ना स्वयं की संपत्ति को ऑनलाइन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तो शक मुख्यमंत्री के मिस्टर क्लीन पर हो रहा है। अगर आपके मंत्री महोदय की आप जानकारी मत कीजिए, लेकिन कम से कम जिस तरह से अखिलेश सिंह यादव, नीतीश कुमार, मनमोहन सिंह जो पहले प्रधानमंत्री, अपनी खुद की संपत्ति का ब्यौरा दिया है क्या मुख्यमंत्री ने लोगों को रिमाइंडर देते हुए? हाँ, उन्होंने अपनी संपत्ति की जानकारी राज्यपाल को दी है, मगर वो संपत्ति ऑनलाइन कौन करेगा? जब आपके नेतृत्व, आपका जो बड़ा नेता है, जो आपके पार्टी के शीर्ष नेतृत्व अपनी संपत्ति की जानकारी ऑनलाइन करता है, तो आपको क्या हर्ज है? लेकिन मिस्टर क्लीन ने ये फाइल को दबा के रखा, और अभी तक हमारा 2 साल से फॉलोअप चालू है। हमने उदाहरण दिया है कि बिहार सरकार कर सकती है, जो बिहार सरकार पर लोग आरोप लगाते हैं और भ्रष्टाचार होने का दावा किया जाता है, मगर नीतीश कुमार ने सभी मंत्रियों की जानकारी को ऑनलाइन करके बहुत अच्छा कदम उठाया है, उसके लिए उनका अभिनंदन होना चाहिए। मगर यही महाराष्ट्र की सरकार अपने मंत्रियों की जानकारी को ऑनलाइन करने से बच रही है, अपने मंत्रियों की नहीं, खुद मुख्यमंत्री अपनी जानकारी देने से अगर परहेज कर रहे हैं, तो ये भी अपने आप पे एक बड़ा सवाल है। भानुशाली साहब, क्या इस मामले में अब तो आप केंद्र में आ गए हैं, नरेंद्र मोदी ने भी मांगी है संपत्तियों का ब्यौरा देने को कहा है, आपको लगता है कि आपके सारे मंत्री फौरन जिस तरह से उन्होंने मांग की है अपनी संपत्तियों का ब्यौरा दे देंगे आपके लोग? देखिए, ऐसा होता है, देखिए, दूसरे के बिहाफ पर जवाब देना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन नज़दीक से अगर आप देखें तो क्या अपेक्षा नहीं है आप लोगों को कि फौरन दे देना चाहिए? दूसरे पर अगर उंगली उठ रही है तो हमें पाक साफ दिखने में क्या हर्ज है? सलमान भाई, आज हम 13 तारीख है और यहाँ बैठे हैं, और जो जो माननीय प्रधानमंत्री श्री ने जो एक आदेश जो दिया है, उसका
शत प्रतिशत अमलीकरण होगा, और फिर जब दूसरी बार जब मैं यहाँ आऊँगा, मैं यहाँ बैठूँगा और आपके आपको आपको आप ही बोलेंगे कि बहुत सही है भानुशाली, आप जो उस दिन कह रहे थे वो सही हुआ। मुझे पूरा विश्वास है कि जो जो उन्होंने आदेश दिया है हर एक आदेश का शत प्रतिशत पालन होगा। जी, राजू वेर्णेकर जैसे पत्रकार, अनिल गलगली जैसे पत्रकार और आरटीआई एक्टिविस्ट अगर इस मामले में पहल करते हुए इस तरह की जानकारियाँ, अनिल जी अपने दांव पर अपनी इज्जत, अपनी जान, अपना अपना पेशा, अपना सब कुछ दांव पर लगाकर जनता के हित में इस तरह की जानकारियां मंगाते हैं, तो भानुशाली साहब क्या विपक्ष के लोगों की जिम्मेदारी नहीं बनती कि इन मामलों को जनता के बीच ले जाया जाए, जनता इस तरह के आंदोलन हो मजबूर किया जाए उन नेताओं को जिन्होंने अपने आप को सर्वोपरि मान लिया है, आम जनता से ऊपर मान लिया है? क्योंकि अनिल गलगली जी अपनी पत्रकारिता भी देखें, आरटीआई की भी कार्य देखें और आंदोलन भी करें, तो सब कुछ आरटीआई एक्टिविस्ट और समाजसेवियों पर तो नहीं छोड़ा जा सकता। राजनेता क्या तेरी भी चुप मेरी चुप वाला मामला नहीं है? ऐसा बिल्कुल नहीं है सलमान भाई। जो भानुशाली साहब, हम इसका जवाब आपसे लेते हैं, जवाब आप ध्यान से दीजिए। एक छोटा सा ब्रेक है, वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौटते हैं मुद्दे की बात में, भ्रष्टाचार, करप्शन और मंत्रियों के संपत्तियों के ब्यौरे को आम नहीं किए जाने के मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं। एक गंभीर चर्चा जारी है मुद्दे की बात में, कहीं जाइएगा। मार्केट समझना नहीं है कोई रॉकेट साइंस, लॉजिकल होते हैं इसके लोज और हाई। जब अनलॉक होगा ये लॉजिक, तब फिर आपकी इन्वेस्टमेंट करेगी मैजिक। बाजार पर होगी बारीक नजर, हर इन्वेस्टर बनेगा सिकंदर जब देखेगा हमारे साथ लेमन स्मार्ट इन्वेस्टर। अंडरवर्ल्ड की नब्ज पहचानता हूं मैं और गैंग के राज जानता हूं मैं। कहां से चलती है कंपनी, कैसे किया मुंबई पुलिस ने कंपनी को खल्लास, कौन चला रहा है माफिया नेटवर्क, सब की खबरें देता हूं मैं। इन 22 सालों में गैंगवार मैंने देखे, गली के गुंडों को टॉन बनते मैंने देखा। लेमन न्यूज के क्राइम टीम रखेगी अपराध जगत पर पैनी नजर। जो परसेंटेज ऑफ वोटिंग है ये बंपर माना जाए, मरते किसान और सो किसान। नमस्कार, मैं प्रशांत आंगरे और आप तमाम दर्शकों का स्वागत है लेमन प्राइम टाइम, हर रात 9 बजे। के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है मुद्दे की बात में, लेमन न्यूज़ में हम चर्चा कर रहे हैं मुद्दे की बात में उस विषय पर जिस पर लोग जानना चाहते हैं अपने मंत्रियों के बारे में, अपने मंत्रियों की छोटी छोटी बातें जानना चाहते हैं। जानना इसलिए भी चाहते हैं क्योंकि लोकतंत्र के पर्व का जो इस लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण कार्य अगर कोई करता है तो इस देश का मतदाता करता है। अगर आपको चुनकर विधानसभा लोकसभा में भेजता है तो जानना चाहता है कि आप करते क्या हैं, आप धन कहां से कमाते हैं, आपकी आय कहां से आती है, आपको सैलरी सरकार कितनी देती है और आपका खर्च किस तरह से चलता है। यह अधिकार अगर जनता आपको देती है तो आपको अपने जनता से पारदर्शिता रखनी होती है और रखना चाहिए, यह आपकी नैतिकता भी है और आपकी जिम्मेदारी भी है। लेकिन हमने पाया है आरटीआई के माध्यम से, अनिल गलगली जी ने ये पाया कि महाराष्ट्र सरकार में 2010 से मुख्यमंत्री ने कहा था अपने सभी मंत्रियों को अपनी संपत्ति की घोषणा करने की, लेकिन उसमें से अधिकांश मंत्रियों ने नहीं की है। आज जबकि 2-4 महीने के बाद विधानसभा के चुनाव भी आ जाएंगे, नई सरकार का गठन भी हो जाएगा, सरकार में शामिल मंत्रियों ने अपने ही मुख्यमंत्री की बातों पर अमल नहीं किया। मुख्यमंत्री भी वो जो मिस्टर क्लीन माने जाते हैं, मुख्यमंत्री वो जिन्होंने अपनी जानकारी राज्यपाल को तो दे दी लेकिन आम जनता तक अभी नहीं पहुंची क्योंकि उन्होंने उस पर भी पर्दा डाल रखा है, ऑनलाइन करने से परहेज किया।
उंगलियां उठती हैं बिहार और उत्तर प्रदेश पर, लेकिन वहां के मुख्यमंत्रियों ने और उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों ने अपनी आय न सिर्फ घोषित की बल्कि मुख्यमंत्री ने उनकी आय को ऑनलाइन घोषित कर दिया। उम्मीद की जानी चाहिए थी कि महाराष्ट्र जैसे प्रगतिशील राज्य के मुख्यमंत्री और उनके मातहत मंत्रियों की संपत्तियों की घोषणा हो जानी चाहिए थी। सभी को ज्ञात होना चाहिए था कि ये कहां से कमाते हैं। अनिल जी, हम ब्रेक पर जाने से पहले हम चर्चा कर रहे थे भानुशाली साहब से। भानुशाली साहब, अब बताएं जो जवाब आपका था। जवाब ऐसा था कि आपने कहा था कि भाई सिर्फ जिम्मेदारी इतने सारे जंजीरों को मोड़ देना, ये सिर्फ जिम्मेदारी इनकी ही है क्या? मतलब हम लोगों की नहीं है, पत्रकारों की और आरटीआई एक्टिविस्टों की जिम्मेदारी है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, मैं स्वीकार करता हूँ। और सबसे पहले तो मैं इनको धन्यवाद देता हूँ कि इतनी सारी मुश्किलों का सामना करके, हर तरफ की मुश्किलों का सामना करके आपको ये लोग जो काम कर रहे हैं कि जनता तक ये जो वास्तविकता जनता तक पहुँचे। अभी जैसे आपने मेरे सामने प्रश्न किया कि क्या ये हम लोगों का भी काम नहीं है, है, वो आपकी बात को संपूर्ण उसमें स्वीकार करता हूँ। परंतु आप जानते हो, सभी जानते हैं कि ये कांग्रेस वालों की और खास करके जो कुछ मंत्रियों ने जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं कि जिन्होंने दी नहीं है और आने वाले दिनों में भी देंगे। आय की संपत्ति की जानकारी की बात अगर आती है तो वो सारी जानकारियां भी आरटीआई के दायरे में आती है। जैसे स्मृति ईरानी ने अपनी जानकारी अलग अलग मामलों में अलग अलग दी, तो ये सब भी तो मामले बनते हैं, सिर्फ आय के मामले ही नहीं है। आप अपनी मामले को अपने शैक्षणिक योग्यता को और अन्य मामलों को भी अगर छुपाते हैं तो ये सब भी तो कहीं ना कहीं जनता के साथ में और जनता की आंखों में धूल झोंकने का मामला हुआ। तो ये कुल मिलाकर नेताओं का मामला ही ये है, तो क्या होना चाहिए ऐसे में? नहीं, आपका जो मैं जो पहले जो प्रश्न था जो मैं मतलब उत्तर दे रहा था वो अपना रह गया। जी जी जी। तो आपने जैसे कहा कि वो जिम्मेदारी हमारी नहीं है, मैं स्वीकार करता हूँ कि वो हमारी जिम्मेदारी है। तो ये जैसा ये प्रश्न है इसके भी इससे भी कई गुना ज़्यादा मतलब गंभीर प्रश्न, ऐसे ऐसे प्रश्न के जिनकी कोई सीमा नहीं है, इतने इतने गंभीर प्रश्नों को लेके भी जब भी गए। लेकिन ये कांग्रेस की जो इन मंत्रियों की इन सरकार की चमड़ी इतनी जाड़ी चमड़ी है कि वहाँ कोई शब्दों का कि किसी तरह के किसी भी कोई कार्यवाही का कोई असर नहीं होता है। और दूसरा, जब इनको कोई मुख्यमंत्री का डर नहीं है, आम जनता का डर नहीं है, कल हम वोट लेने जाएंगे क्या जवाब देंगे, क्या क्या कहेंगे, क्या मुँह लेके जाएंगे, वो डर ही नहीं है उनको। डर नहीं है, चिंता ही नहीं, लोगों के बीच से डर निकल गया है। ऐसे मंत्रियों को जब सत्ता का सुख और सत्ता के सुख में मतांध होकर नेता निर्णय लेने लगते हैं और उन्हें वो अपने आप को जब सर्वोपरि मानने लगते हैं और हठधर्मिता करते हैं, अहंकार उनमें आता है, तभी ऐसा हो सकता है कि मंत्रियों का एक समूह अपने ही मुख्यमंत्री की बातों को नहीं मानता, वो अपने आप को बड़ा समझने लगता है और बड़ा न हो तो मुख्यमंत्री उन पर कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन अगर मुख्यमंत्री खुद कटघरे में हो तो वो किसी प्रकार कार्रवाई करेंगे। इसलिए मामला पेचीदा हो जाता है। ये एक सवाल बनकर रह जाता है कि क्यों आखिर मंत्री अपनी आय छुपाते हैं और छुपाते ही से ज़्यादा ये कमाते कहाँ से हैं। शायद इनके पीछे का कारण ये होता है कि अगर हमने कुछ बताया तो ये आरटीआई एक्टिविस्ट और भी पीछे लगकर खोद खोद कर कुछ नई चीज़ें लाएंगे। राजू जी, इस डर से जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनने में क्या गलतियां करती है, बहकावे में आती है, या ये सब चीज़ें उसके लिए मायने नहीं रखती कि आप कमाते क्या हैं, बस आप हमारा सुख सुविधा का, हमारे मूलभूत सुविधाओं का आप ख्याल रखिए, हमारी जो ज़रूरतें हैं उन्हें पूरा कीजिए। शर्मा जी, बात ऐसे कि जब चुनाव आते हैं ना, चुनाव के समय कई चीज़ें भावनिक होती है, कई चीज़ें भावनिक होती है। जो लोग प्रतिनिधि है, पहले था, आज वापस चुनाव लड़ रहा है, क्या उसने काम, ये सब जो ब्यौरा, ये जो स्टॉक टेकिंग होता है वो होता ही नहीं। कई बार चुनाव भावनिक होते हैं, इसकी वजह से वो जैसे बोलते हैं कि यू गेट द वे द पीपल गेट द गवर्नमेंट इट डिजर्व। तो सिमिलरली चलो एक बात हो गई, उतना समय हर एक के पास समय होता नहीं, मगर जैसे कि हमारे पास एक कानून है, ये मुझे लगता है एक नया संदेश है। जैसे कि प्रधानमंत्री ने ये कहा,
वैसे उन्होंने परसों कहा ई प्लेटफॉर्म डिफेंस का कोई भी डील 10 लाख से ऊपर हो वो ऑनलाइन दिखना ही चाहिए कि इसको कॉन्ट्रैक्ट गया क्या। तो ये मुझे लगता है ये शुरुआत है, ये जल्दबाजी में नहीं होगा मगर एक अच्छी पहल है। और जैसे कि आपने पहले पूछा कि मतदाता की जिम्मेदारी है मगर वो क्या क्या करे जी, चुनाव का दिन आता है, चुनाव के दिन चुनाव मत देना वोट देना उसके अलावा वो कुछ कर नहीं सकता या ज्यादा से ज्यादा वो, लेकिन उसका जो मत देने जो कुछ कर नहीं सकता ना वही चीज तो है वो मतदान, पर वो उस शक्ति को आज भी मतदाता, इसके लिए एक अलग से कार्यक्रम करना पड़ सकता है कि मतदाता के मतों का अधिकार क्या है और उसमें क्या कुछ छुपा हुआ है, किस आधार पर मतदान किया जाए। मतदान लक्ष्यधार भाषणों पर हो, मतदान कार्यशैली पर हो, मतदान भावनाओं पर हो या मतदान एक अच्छे भविष्य के लिए हो, मतदान में ही अपने आप बहुत कुछ छुपा होता है। लेकिन जब चुनाव आते हैं तो तरह तरह के लुभावने लोक लुभावन नारे और सपनों के सौदागर जब सामने आते हैं तो जनता का बहकना स्वाभाविक है। लेकिन उसी मतदान के अधिकार से वो चाहती है कि आप बताएं आप कमाते क्या हैं, आपने ये 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 कमाया कहाँ से, तो ये इसके लिए क्या किया जाना चाहिए। नहीं जी सलमान जी, आपके अनुमति से ये जो राइट टू रिकॉल हो, आज मैं चुन के आया, आज मैं विधायक बना, कल आज मैं सांसद बना, मैं काम नहीं करता, मेरे दिल में डर कहाँ है कि मुझे रिकॉल किया जाएगा। तो राइट टू रिकॉल की मांग कई सालों से होती आई है, वो भी अब तक कुछ बना नहीं है। अगर मैं काम नहीं करता मुझे मेरे दिल में डर चाहे कि जनता मुझे वापस बुलाएगी। जी जनता वापस बुलाएगी, हाँ, ये डर आपको, आप अनिल जी आपने जानकारियां मांगी, आपको जानकारियां मिली, मिलने में चलिए अधिकारियों ने सहयोग किया, क्या कुछ मंत्रियों की तरफ से आपको कुछ कभी बातचीत करने के लिए कि आप आखिर क्यों चाहते हैं, ऐसा कोई मामला आया आपके सामने? नहीं, अभी तक पिछले 4 वर्षों में किसी भी मंत्री ने ऐसी मतलब हिमायत नहीं की और ना कभी किसी ने कोशिश भी की। मगर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसा आपने शुरुआत में कहा था कि विपक्ष क्या कर रहे हैं जी, तो विपक्ष की भी कुछ मजबूरियाँ होती है। जैसे विपक्ष में आज जो बैठे हैं वो कई बार मुख्यमंत्रियों के कुछ मतलब फायदे के हिसाब से भी काम करते हैं, कई बार मुख्यमंत्री उनको कुछ लाभ भी पहुँचाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा विपक्ष इधर क्यों चुप बैठा है, ये बहुत बड़ा सवाल है जी। क्योंकि ये राज्य सरकार का मामला है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो किया है मनमोहन सिंह सरकार ने किया था और उसी का जो एक आगे जो उसी प्रक्रिया को नरेंद्र मोदी जी ने आगे बढ़ाया है। मगर जिस नरेंद्र मोदी साहब ने लोकसभा में ये घोषणा की है, उनके गुजरात में पिछले 15 वर्षों से किसी भी मंत्री ने अपनी संपत्ति को ऑनलाइन नहीं किया है, ना संपत्ति देने की कोशिश की है। तो उसी के लिए कहीं ना कहीं तो विपक्ष को डर है कि अगर हम इस सरकार पर हमला करें तो हमारी जो पूर्व जो गुजरात की सरकार है, में सभी हर कोई नंगा है, वो ये भी थोड़ी मजबूरी है। उससे विपक्ष भी चुप बैठा है क्योंकि विपक्ष को पता है किन किन राज्यों में संपत्ति की जानकारी घोषित की गई है, कहाँ ऑनलाइन किया गया है और किन राज्यों ने पहल की है। क्योंकि जो गृह मंत्रालय ने 2010 में जब ये कानून बनाया, ये जो आचार संहिता बनाई, तो उस पर ऐसा कोई बंधन नहीं रखा है कि ये जरूरी है, अगर आपको करना है तो कीजिए। तो वो ये जो अनिवार्यता न होने से इसका लाभ महाराष्ट्र में मंत्री उठा रहे हैं, गुजरात में पिछले 15 वर्षों से उन मंत्रियों ने उठाया है और ऐसे कई राज्य हैं जो अपनी संपत्ति की जानकारी सार्वजनिक नहीं करते हैं। तो विपक्ष भी इसलिए चुप बैठा है क्योंकि आज इनका जो नेतृत्व है, मैं रिस्पेक्ट के साथ इनके नेतृत्व को सम्मान करता हूँ, मगर इन्होंने भी अपने पूर्व इतिहास में कोई ऐसा काम नहीं किया है, ना अपनी संपत्ति को घोषित किया है। उसी के लिए तेरी भी चुप मेरी भी चुप, अगर हम इनकी पोल खोलेंगे तो ये हमारी ज़्यादा पोल खोलेंगे, ये जो डर विपक्ष को आज लग रहा है इसी की वजह से, और शायद इसी का लाभ सत्ता पक्ष दोनों तरफ के सत्ता पक्ष हर हर साल हम लोग हल्के निकालते हैं जी, मीडिया छापती है और वापस मुख्यमंत्री एक पत्र लिखते हैं कि आप अपनी संपत्ति की जानकारी कीजिए। पत्र लिखना उसका जवाब देना इतना ही सीमित हो चुका है। क्या इन इस आधार पर मताधिकार का प्रयोग करती है जनता, इन चीजों को भी अपने पैमाने पर कसती है कि इसी पैमाने पर हम वोट देंगे? निश्चित तौर पर, क्योंकि आज जो छगन भुजबल जो चुनाव हारे हैं, कारण उनका वही था कि उन्होंने जो अपने 5 वर्ष के कार्यकाल में जो एक तरह से लोगों को नज़रअंदाज किया, जब लोग जाते थे उनसे बातचीत करने का जो जरिया था, किस तरह से वो बातचीत करते थे। तो ऐसे कई उदाहरण हैं, जैसे सुनील तटकरे चुनाव हार गए 2000 वोट से, तो ऐसे कई उदाहरण आज लोकसभा के चुनाव में आपने देखे हैं, जो मंत्री थे जिन्होंने 5 वर्ष विकास करने का दावा किया, वो डेढ़ दो अढ़ाई लाख से चुनाव हार चुके हैं। यानी कहीं ना कहीं तो मतदाताओं ने उन्हें घर बैठाने का काम किया है,
जिन्होंने अपने मंत्री पद के वक्त लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, कई जगह ऐसे निर्णय लिए हैं जिससे जनता को नुकसान हुआ है और जनता की अनदेखी की है, क्योंकि जनता जनार्दन होता है। आप सिर्फ 5 साल में एक बार जनता को भगवान मानते हो, लेकिन बाकी के 364 डेज साल के और बाकी जो 4 हम उसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो जनता को कौन पूछता है। इनके बंगले के बाहर भी जाने के बाद आपको सिक्योरिटी रोकती है, बंगले के अंदर जाने के बाद पीए रोकता है, मंत्री महोदय डायरेक्ट पब्लिक से कहाँ मिलते हैं। कहीं ना कहीं तो ये जो रोष है ये लोकसभा के चुनाव में लोगों ने दिखाया है। तो हमारी भी अपील है कि जिस तरह से कांग्रेस और राष्ट्रवादी को लोगों ने सबक सिखाया है, भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और अन्य जो लोग चुन कर आए हैं वो भी जनता के साथ अच्छा रवैया रखे, उनका सम्मान करे, उनकी भावनाओं का आदर करे। सबसे पहले तो ये कि अपने अपनी संपत्तियां घोषित करें। यस, अपनी संपत्ति घोषित। जनता जनता चाहती है कि वो अपनी संपत्ति बताएं कि आखिर ये इनके पास में आय के स्रोत क्या होते हैं। अधिकृत और बड़े दावे के साथ तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन अनधिकृत भी ये आते हैं, ये स्रोत तो होते हैं ना शंकर जी, अनुशाली साहब? हाँ। ये होते हैं कि नहीं? बिल्कुल आपका कहना सही है, लेकिन जो पहले अभी जैसे कुछ समय पहले अनिल जी ने कहा कि मैं इनकी बात से फिर से एक बार सहमत हूँ कि जो जनता पहले जो थी ऐसी नहीं है। आज के मतदान इतने जागरूक हो गए हैं, बेला के फुसला के डरा के धमका के किसी तरह से जो अपना वो काफी में कुछ जागृत होने के बाद भी आज भी शंकर भानुशाली साहब आज बहुत जागरूक हो गई है। क्षमा करें, बहुत कुछ इतने बड़े बड़े दावे करने वाले 4.5 लाख वोटों से हारे हैं अपने 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 मुंबई में 4.5 लाख वोटों से। मतलब अब जनता वो पहले वाली बात वो नहीं है, नहीं दोनों तरफ जैसे अभी आपकी जीत हुई है इसलिए मामला ऐसा है। मामला हार का हार जो लोग आपके हारे हैं उनके दिलों से जरा पूछिए, उन्होंने भी काम किया होगा। अगर यही मामला रहता, जनता उन लोगों को नकार चुकी है जो काम नहीं करते, काम करने वाले भी हारे हैं, पैमाने कुछ अलग हो जाते हैं। जिस पर हम चर्चा कर रहे थे, चर्चा के बीच में हमने उस विषय को भी छूने की कोशिश की थी कि जनता चुनाव के दौरान किए जाने वाले लोक लुभावन नारों और वादों पर भी आती है। ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ बदल गया है, जनता सोचती है लेकिन उस सोच को परिणाम के वक्त तक बना पाती है, बचा पाती है क्या? सवाल दरअसल ये होता है। जी शंकर जी। हाँ, नहीं जैसे मतदान का समझो, अपने बस 24 अप्रैल को मतदान था, हम अपने मुंबई की बात करें जी, तब तक आपका कहना ये है ना कि लोगों को जो ये मतो उनका जो विचारों से बढ़ जैसे वो सोचेंगे कि हमको ये करना है ये करना है, उसके बाद आपका कहना ये है कि उनके बाद जब समय आता है तो चले जाते हैं बी पे जी। लेकिन वो बात पहले थी, अब वो बात नहीं है। अब जनता एकदम जागरूक हो गई है, जनता को अब पता है। और दूसरी बात यह है कि जो नए जो मतदान जो आए हैं आज की जो युवा पीढ़ी, वो अभी ऐसी जो गलतियों पे है, जो गलतियां आज तक ये जो इन लोगों नेताओं ने की है, आने वाली जो ये पीढ़ी है जो आज आई है इनको कभी भी नहीं माफ़ करेगी और करने भी नहीं देगी जी। अभी जैसे वो गलतियाँ आज तक करते आए हैं कि भैया है कि वो है कि आज इन्होंने के मुख्यमंत्री के आदेश के बाद नहीं मान रहे, मुख्यमंत्री के आदेश अगर नहीं मानेंगे तो जनता खुद इतनी जागरूक हो गई है कि वो जाके वहाँ मुख्यमंत्री का अपने मंत्रियों पर दबाव ही नहीं हो, राजू जी अपने मंत्रियों की संपत्ति की घोषणा तक न करवा सके, इस मुख्यमंत्री के नेतृत्व में क्या उम्मीद की जा सकती है कि वर्तमान, चूंकि हमारे साथ कोई कांग्रेस का और एनसीपी का कोई भी प्रवक्ता मौजूद नहीं है इस कार्यक्रम में, लेकिन फिर भी हम जानना चाहेंगे क्या इस मुख्यमंत्री के नेतृत्व में आपको लगता है, बहसीत पत्रकार आपको लगता है कि इस मुख्यमंत्री के नेतृत्व में दोबारा सरकार आ भी सकती है? नहीं, फिलहाल मौजूदा स्थिति के मुताबिक आएगी ऐसा लगता नहीं है, मगर जैसे कुछ समय पहले उनके क्लीननेस की बात हुई थी, वैसे तो मिस्टर पृथ्वीराज चव्हाण मिस्टर क्लीन है, मगर जहाँ तक पिछले लेकिन उनके मिस्टर क्लीन की छवि पर कहीं ना कहीं देखिए अनिल जी ने प्रश्न चिन्ह लगाया। हाँ, अनिल गलगली जी ही नहीं बल्कि विपक्ष के कई नेताओं ने भी लगाया है। हाँ, ऐसे में वो मिस्टर क्लीन जिनके अपने मामले में मुख्यमंत्री बनने के बाद में वडाला के फ्लैट का जैसे इशू आया था, उसके बाद में अपनी संपत्ति की घोषणा करने में उन्होंने राज्यपाल को दी ऑनलाइन, अब तक नहीं की। अब मनमोहन सिंह की इस मामले में तारीफ की जानी चाहिए थी कि उन्होंने अपनी संपत्ति का ब्यौरा ऑनलाइन किया था। नीतीश कुमार और अखिलेश यादव इस मामले में इन पर बाजी मार ले गए। अगर आप मिस्टर क्लीन हैं तो आपको मिस्टर क्लीन दिखना भी होगा, सिर्फ प्रचार में मिस्टर क्लीन दिखने से बात नहीं बनती,
और ऐसे में अगर आप अब भी नहीं जागरूक होते हैं तो आपके नेतृत्व में आने वाली सरकार का हम सिर्फ खाका खींच सकते हैं, आपको जनता ही सही तरीके से जवाब दे सकती है। जी राजू जी। हाँ सलमान जी, आप बिल्कुल सही कहा, मिस्टर क्लीन होने से कुछ होता नहीं, उनको अमल भी करना चाहिए। मगर पिछले कुछ सालों का हम अगर रिकॉर्ड देखें, कांग्रेस और एनसीपी में कई विवादों में ही वो ये दोनों पार्टियां फंसी है, कई निर्णय नहीं होते, कई फाइलें पड़ी रहती है। अगर मिस्टर क्लीन को अपना अमल दिखाना है तो उनको तुरंत, जैसे कि अगर बिहार जैसा राज्य या और कई राज्य अगर ऑनलाइन जाते हैं तो इनको तुरंत ऑनलाइन जाए, उनको तुरंत फरमान छोड़ना चाहिए अपने सहयोगियों को कि भाई मैंने 2010 में आप लोगों को कहा था, अब इतना बहस हो, इतनी चर्चा हो चुकी है, तो आप तुरंत उसे घोषित कीजिए और चलो महाराष्ट्र का भी जो भी कारोबार है वो ऑनलाइन जाए। मुख्यमंत्री के कार्यकाल को देखा जाए, अनिल जी, अपनी बची हुई 3 मंत्री पद की सीटें महामंडल खर्च बढ़ाने के और बहुत नैतिकता के कारण सिर्फ सभी को खुश न रख पाने का एक मामला और सबको आस पर रखने का जो मामला था, इस कारण ये 3 मंत्री नहीं बने, ये जग जाहिर है। तो ये निर्णय कि अपने मंत्रियों से, अपने 3 मंत्री पद तक नहीं भर पाने वाले मुख्यमंत्री से क्या उम्मीद की जाए कि ये अपने मंत्रियों की संपत्ति का ब्यौरा पहले उनसे ले भी पाएंगे, और अगर ले भी लिया तो क्या ऑनलाइन करके जनता को बता पाएंगे? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि जिस तरह से मुख्यमंत्री का रवैया है, भले ही कुछ मुद्दों पर हम उनसे असहमत हैं और उन्होंने भी कुछ अच्छे काम भी किए हैं, उसकी भी तारीफ होनी चाहिए, मगर जो सज्जन निष्क्रिय होता है उसकी हमें आवश्यकता नहीं है। वह सज्जन व्यक्ति है, और उनकी निष्क्रियता जो अपने मंत्रियों पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, अपने मंत्रियों से छोटा सा आदेश का पालन करवाने में अक्षम है, तो ऐसे सज्जन निष्क्रियों की जरूरत क्या है? तो कहीं ना कहीं तो हम मुख्यमंत्री को दोषी ठहराएंगे, क्योंकि जब भी मंत्रिमंडल बनता है तो किसी पार्टी का उस पर कंट्रोल नहीं होता है। राज्य का मुख्यमंत्री होता है, उसका चेयरमैन होता है, मुख्य सचिव मीटिंग कॉल्स करता है, मंत्री महोदय आते हैं, तो उन मंत्रियों से क्या काम करवाना है, उन मंत्रियों को क्या आदेश देना है और उनके उनसे क्या रिपोर्ट मंगवा कर उस पर राज्य की जनता को आप अच्छा शासन देंगे, ये सब निर्भर होता है। तो कहीं ना कहीं तो मुख्यमंत्री एक छोटे से मामले में, एक संपत्ति के मामले में अगर फेल हो चुके हैं तो राज्य की जनता का क्या वो भला करेंगे? भले ही चुनाव नज़दीक है, चुनाव में जरूर नहीं कि कांग्रेस राष्ट्रवादी की बहुत बुरी तरह हार होगी, कभी वो कमबैक भी कर सकते हैं, मगर इससे अधिक इम्पोर्टेंट है कि अगर ये सरकार फिर से चुनकर आती है तो उनकी जवाबदेही क्या रहेगी, उनकी पारदर्शिता क्या रहेगी, उनका जो एक भ्रष्टाचार मुक्त शासन का क्या जो घोष वाक्य है उसका क्या होगा? जी, भ्रष्टाचार मुक्त शासन में उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं किया है जिससे हम उस पर कुछ बहुत ज्यादा नंबर आज के निष्कर्ष, चर्चा के निष्कर्ष पर अगर पहुंचे तो ये माना जा सकता है कि बहुत ज्यादा अंक नहीं दिए जा सकते, बहुत ज्यादा नंबर नहीं दिए जा सकते वर्तमान सरकार को, उस सरकार को जो अपने मंत्रियों की संपत्ति का ब्यौरा तक नहीं ले सकी है सभी मंत्रियों का, और जिनके लिए भी है तो वो अपने पास रखे हैं, उसे ऑनलाइन नहीं किया है, शंका में है सरकार। सरकार क्या निर्णय लेती है, मुख्यमंत्री का विवेक इस मामले में कितना काम करता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। जानकारी लेना अनिल गलगली जैसे पत्रकारों का और आरटीआई एक्टिविस्टों का काम था, उन्होंने लिया है, जनता के गेंद पाले में अब गेंद है, देखते हैं जनता क्या निर्णय लेती है। और विपक्ष की तरफ भी उंगली उठती है कि ऐसे मामलों में उसकी चुप्पी कहीं ना कहीं उस पर भी उंगली उठाती है। फिलहाल आप लोग हमारे साथ चर्चा में हिस्सा लिया, राजू वेर्णेकर जी आपका, शंकर जी आपका और अनिल गलगली जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मुद्दे की बात में चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। मुद्दे की बात में वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन इसके बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। मुद्दे की बात में मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य मेहमानों के साथ, देखते रहिए लेमन न्यूज़।